सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, हमने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में डिजाइन टैब से पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर ऑप्शन को समझाया था। आज हम आप सभी के साथ डिजाइन टैब से पेज बॉर्डर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक पेज कलर वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर पेज कलर वाली क्लास को जरूर देखें। और यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिजाइन टैब से पेज बॉर्डर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बॉर्डर एंड सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमें थ्री मेन्यू शो होते हैं। देखिएगा, बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड सेटिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉर्डर मेन्यू से हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिएगा जैसा कि हम आपको शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, टेक्स्ट पर या पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाना हमने आपको हमारी एमएस वर्ड की पार्ट नंबर 5D वीडियो में डिटेल से करवा दिया है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आइए अब हम पेज बॉर्डर मेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम पेज बॉर्डर मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा हमें वही सेम ऑप्शन शो होते हैं जो हमने आप सभी के साथ बॉर्डर वाली क्लास में यहाँ डिस्कस किए थे। देखिएगा फ्रेंड्स, आइए अब हम पेज बॉर्डर मेन्यू को डिस्कस करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करके स्टाइल्स वाले ऑप्शन से किसी भी बॉर्डर को सेलेक्ट करके जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारे सामने सभी पेजेस पर बॉर्डर आ गई है। आइए फ्रेंड्स, अब हम पेज बॉर्डर से नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन में काफी स्टाइलिश बॉर्डर गिवन है। इनमें से किसी भी बॉर्डर को हम सेलेक्ट करके यहाँ से उस बॉर्डर के कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मींस कस्टम कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। देन हम यहाँ से बॉर्डर की विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हैं, मींस हमें बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है। और अब हम जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा उसका रिजल्ट हमें हमारे डॉक्यूमेंट में शो हो जाता है। आइए अब हम बॉर्डर एंड सेटिंग डायलॉग बॉक्स से नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, पेज बॉर्डर मेन्यू में हमें यहाँ शैडो का ऑप्शन मिलता है। यदि हम शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा जिस प्रकार से हमें यहाँ प्रीव्यू शो हो रहा है उसी प्रकार से हमें हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर शैडो देखने को मिलेगी। देखिएगा जैसे हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा उसका रिजल्ट हमें हमारे डॉक्यूमेंट में देखने को मिल रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम पेज बॉर्डर मेन्यू से नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। पेज बॉर्डर डायलॉग बॉक्स में देखिएगा यहाँ हमें एक आर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आर्ट ऑप्शन की हेल्प से देखिएगा हम इस प्रकार से स्टाइलिश आर्ट की बॉर्डर हमारे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टाइलिश आर्ट गिवन है। आइए इनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं देखिएगा इसका रिजल्ट हमें हमारे डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। आइए फ्रेंड्स, पेज बॉर्डर मेन्यू से नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कस्टम का ऑप्शन गिवन है। यहाँ हम कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस के लिए बॉर्डर को कस्टम कर सकते हैं। मींस हम अपने पेजेस में यह डिफाइन कर सकते हैं कि हमें बॉर्डर अपने पेज में किस साइड रखनी है और किस साइड नहीं रखनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ क्लिक करते हैं तो बॉर्डर रिमूव हो जाती है और अगेन हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ बॉर्डर शो हो जाती है। अब देखिएगा जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू हमें हमारी फाइल में देखने को मिल जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम पेज बॉर्डर ऑप्शन से नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ अप्लाई टू का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इसकी डाउन एरो की पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, होल्ड डॉक्यूमेंट। यदि फ्रेंड्स हम होल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओके करते हैं तो बॉर्डर्स सभी पेजेस पर आ जाती है। और यदि फ्रेंड्स हम चाहते हैं बॉर्डर किसी पेज के पर्टिकुलर सेक्शन में आए या ओनली फर्स्ट पेज पर आए या फिर फर्स्ट पेज को छोड़कर बाकी सभी पेजेस पर बॉर्डर आए तो हम ऐसा कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, उसके लिए हमें आपको सबसे पहले सेक्शंस को समझाना होगा। और देखिएगा सेक्शन को हम आपको लेआउट टैब में यहाँ ब्रेक ऑप्शन में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम पेज बॉर्डर मेन्यू से नेक्स्ट इस ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर टॉप, लेफ्ट, राइट एंड डाउन में स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा इसका रिजल्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में देख पाओगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम बॉर्डर एंड सेटिंग डायलॉग बॉक्स से नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग मेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने आपको सेटिंग ऑप्शन होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में करवा दिया है,
जिसमें हमने आपको बताया था कि शेडिंग देखिएगा इस प्रकार से कंप्लीट पैराग्राफ को कवर करता है और हाईलाइट ओनली टेक्स्ट को कवर करता है। देखिएगा इस प्रकार से, देखिएगा फ्रेंड जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। आइए अब हम पेज बॉर्डर ऑप्शन से शेडिंग मेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर सेटिंग देना चाहते हैं तो वह पर्टिकुलर एरिया आपको सेलेक्ट करना होता है। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, यदि आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पर सेटिंग देना चाहते हैं तो हमें उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना नेसेसरी नहीं होता, मीन्स जरूरी नहीं होता। आइए अब हम आपको इस पैराग्राफ पर सेटिंग देकर दिखाते हैं। देखिएगा जैसे हम इस पैराग्राफ पर क्लिक करके पेज बॉर्डर से सेटिंग मेन्यू में जाकर हम यहाँ से किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें सेटिंग के रूप में चाहिए। और अब देखिएगा यहाँ पर क्लियर और यहाँ पर पैराग्राफ रखते हुए हम जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें हमारी फाइल में देखने को मिल जाता है। तो देखिएगा हमारे कंप्लीट पैराग्राफ पर शेडिंग आ गई है। आइए एक बार फिर से हम आपको एक डिफरेंट वे से मींस पैटर्न के साथ इस पैराग्राफ पर शेडिंग देकर दिखाते हैं। देखिएगा जैसे हम यहाँ इस पैराग्राफ पर क्लिक करके शेडिंग ऑप्शन से कलर को सेलेक्ट करते हैं तो अब हम यहाँ से पैटर्न का यूज भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स गिवन हैं। आप इनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट करके यहाँ से पैटर्न के कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शेडिंग के रूप में पैटर्न का यूज करने के लिए हमें यहाँ पर फिल में किसी कलर को सेलेक्ट करना जरूरी नहीं होता, हम शेडिंग के रूप में ओनली पैटर्न का यूज भी कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें हमारी फाइल में देखने को मिल जाता है। देखिएगा इस प्रकार से। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर सेटिंग देना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम सबसे पहले पेज बॉर्डर में जाकर सेटिंग ऑप्शन में जाकर हमें अप्लाई टू वाले ऑप्शन में टेक्स्ट को रखना है। देन हम फिल ऑप्शन में किसी भी कलर को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं देखिएगा इस प्रकार से हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर सेटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स प्रेस बेल आइकन जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।